मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत पटेल और मैं सिद्धपुर के बाजू में बिलिया गांव का हूं, उत्तर गुजरात में। डॉक्टर साहब, आप क्या क्या सेवा कार्य करते हैं? हमने सुना कि आप गरीबों भी काफ़ी मदद करते हैं, क्या क्या करते हैं? भगवान ने हमको जो ये अवसर दिया है डॉक्टर बना के, तो उसका हम सही इस्तेमाल करते हैं कि कोई गरीब पेशेंट आता है तो उसको मुफ्त में सेवा करना, कोई ज़रूरतमंद है तो उसको उसको सही ठिकाने, यानी कि उसको ज़रूरत है हमारे से ऊपर कोई अच्छे डॉक्टर की या हॉस्पिटल की, तो उसको सही सलाह निस्वार्थ भाव से और कोई भी तरह का कोई स्वार्थ के बिना उनको सलाह देते कि भाई ये हॉस्पिटल में जाओ या ये अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, और उनका पूरा इलाज हो सक जाए तब तक हम उसका फॉलोअप भी रखते हैं। और हमारे गांव में भी ऐसे हमारे ग्रुप जो चल रहा है और हमारे दोस्त लोग हैं वो लोग भी हमको हमारी सेवा लेते हैं और हम सब साथ में मिलके सबकी गरीबों की सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब, आज एक हिंदू संत संत आसाराम जी बापू को एक आरोप लगा और आरोप सिद्ध हो गया, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, तो क्या कहोगे उसके विषय में? बहुत दुख की बात है। जब तक मेरा मानना है और मैं जानता हूँ उनको, कई बार मैं आश्रम में गया हूँ सूरत में, उनके उनकी सेवा की प्रवृत्ति हमने देखी हुई है, गौ सेवा है, योग की जो उनकी जो सेवा चलती है, उनके कई साधक हमारे गांव में भी है, मेरे गांव में भी वो आए हुए हैं, तब मैंने उनको देखा हुआ है, सुना हुआ है, और जिस हिसाब से उन्होंने हिंदू संस्कृति की सेवा की है और इस हिसाब से मेरे को लगता है कि एक बार सरकार श्री को या कोर्ट को एक बार फिर से सोचना चाहिए और फिर से अच्छी तरह से छानबीन करके वो केस को फिर से रीओपन करके या कैसे भी करके उनका जो भी सही निर्णय निकले और हिंदू संस्कृति के ऐसे संत को कोई हानि ना पहुंचे या हिंदू संस्कृति का कोई नुकसान ना हो, ऐसा काम करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, क्या लगता है 82 साल की उम्र में एक हिंदू संत ऐसा काम कर सकता है क्या? ऐसा लग तो नहीं रहा है मेरे को, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है, एक बार अच्छी तरह से फिर से जांच करना चाहिए मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, उनका यही कहना है कि 82 साल के हिंदू संत ऐसा काम कर ही नहीं सकते। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, बाठेना सूरत से रफ्तार न्यूज़।